चूहों ने खाया 581 किलो गांजा। जज ने पूछा, भाई नशेड़ी चूहे कहां हैं? उन्हें कोर्ट क्यों नहीं लाए? यूपी पुलिस ने चूहों के साथ गांजे की रस्म निभाई। चोर कोई और पकड़ा जाएगा चूहा। जज भी हैरान, न चूहे की लाश मिली न गांजे का बंडल। एक दो नहीं करोड़ों का खेल चूहे को गांजा पिलाकर होता है। यूपी में चूहा पीता है गांजा, होती है रात को पार्टी, कोई बियर लेता है तो कोई धुआं धुआं करता है। जज ने सुनी कहानी तो पलटने लगे किताब। वकील से पूछा, नशेड़ी चूहों को कोर्ट में पेश करो। ये कहानी सुनकर आप हंस सकते हैं, पर सच यही है कि यूपी में चूहों ने 500 किलो से ज्यादा का गांजा साफ कर दिया। यूपी पुलिस ने रपट भी लिखी, पर नशे के बाद चूहे कहां हैं ये खोज नहीं पा रही है। चूहों की तोंद की सच्चाई हम सुनाएंगे, तब आप कहेंगे बाबा का बुलडोजर कहां है। हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने रामपुर के एक डिप्टी एसपी को रिश्वत लेने के आरोप में सब इंस्पेक्टर बना दिया था। पुलिस के गोदाम में इतनी भारी मात्रा में गांजे का गायब होना क्या इशारा करता है? चूहे खा गए या कोई विभाग वाला ही साफ कर गया? मामला कोर्ट पहुंचा तो जज साहब ने वो बात कह दी जो पुलिस कभी पूरी नहीं कर पाएगी। जज मामले की सुनवाई कर रहे थे, पुलिस ने कहा, साहब चूहे गांजा खा गए। पूछा, कितनी मात्रा में गांजा था? पुलिस ने कहा 500 किलो से ज्यादा, लेकिन चूहे ने पूरा साफ कर दिया। इतना सुनकर जज साहब भी हिल जाते हैं, कहते हैं चूहों को पकड़ा, क्या कोई नशे में था, कोई मर गया? सबूत कहां है, कितने चूहे थे? अब पुलिस ने जो कहा वो भी सुनिए, आपका सिर चकरा जाएगा। मिलॉर्ड, पुलिस चूहों के विशेषज्ञ नहीं, चूहे इतने छोटे होते हैं कि उन्हें पुलिस का डर नहीं होता, पुलिस विभाग को ऐसे केस सॉल्व करने का अनुभव नहीं होता। इसके बाद मथुरा के एसएसपी को जज साहब ने आदेश दिया कि चूहों से छुटकारा पाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, सबूत के साथ रिपोर्ट कोर्ट को दीजिए। क्या चूहे इतनी बड़ी मात्रा में गांजा खाया पी सकते हैं? मसला यह है कि ये बात तो सब जानते हैं, चूहा से बड़ा चोर इंसान होता है जो खाता भी है और डकारता भी नहीं। जज साहब भी जानते हैं, गांजा अधिकारियों से पुलिस ने पकड़ा ताकि समाज को सुधारा जाए, गांजा गोदाम में रखा गया ताकि सुरक्षित रहे, लेकिन गांजा चूहे चोर उड़ा लेते। मकसद था समाज को अपराधियों से बचाना, लेकिन यहां चूहे की शक्ल में ऐसे बेईमान बैठे हैं जो गांजा उड़ा के चूहे को चोर कह दिए। कोर्ट में मामला जाते ही जज साहब ने चूहों पर आरोप लगाने वाले 8 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया। एक्सपर्ट कहते हैं चूहा अगर गांजा खाते भी हैं तो उनकी मौत हो जाती, तो फिर उनकी लाश कहां है? अभी सीधे तौर पर देखा जाए तो ये एक तरह का करप्शन हो सकता है, जिसने बेचा उसी ने चूहों को चोर कहा होगा। हालांकि चूहे बहुत शरारती होते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। चूहों को मारने के लिए महाराष्ट्र की सरकार में 90 के दशक में एक भर्ती निकाली थी। चूहों की वजह से हिटलर युद्ध में भी परेशान हो गया था। कई बार सरकारी ऑपरेशन में भी चूहों की मदद ली जाती है। कपड़ों और किताबों का क्या हाल करते हैं ये सब जानते हैं। आप जानकर हैरान होंगे कि इंसान की संख्या से ज्यादा दुनिया में चूहे हैं, करीब 8 अरब से ज्यादा संख्या है। भारत में ये एक तिहाई रहती है, जिसके कारण चूहे बदनाम है और मौज लेने वाला कहता है, साहब गांजा चूहे खा गए। नेशनल डेस्क, न्यूज लाइफ, बिहार।